Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and... Hey guys, welcome back to my channel Urvashi. So guys, in this video मैं आपके साथ share करने वाली हूँ this टीनेजर अप्रोप्रिएट मेकअप लुक और सेम एज अ सेम टाइम ये ग्लोई मेकअप लुक भी है. बहुत इजी वे में आप इसे अचीव कर सकते हो. बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ मेकअप लुक है. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्टली हम स्किन को प्रेप करेंगे, हाइड्रेट करेंगे. आपको मॉइस्चराइजर कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए. तो मैंने पोन्स का लाइट मॉइस्चराइजर यूज़ करा है. सो मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ. देन इसके बाद आपको अच्छे से स्किन को प्रेप करना है. मैंने अच्छे से स्किन को प्रेप कर लिया. आफ्टर डैट हम यहाँ पे थोड़े से कवरेज के लिए, हमें थोड़ा कवरेज भी चाहिए. ये डेली बेसिस मेकअप लुक है बट हमें कवरेज चाहिए. सो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की सीसी क्रीम. मेरा शेड इसमें ब्रॉन्ज है और इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ लाइक स्विस ब्यूटी का पल इल्यूमिनेटर. बहुत ही अच्छा इल्यूमिनेटर है. मतलब आप अफोर्डेबल काइंड ऑफ अगर अच्छा इल्यूमिनेटर देख रहे हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो. और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से मैं डैब कर रही हूँ. सो इस तरह से आपको डेबिट मोशन में इसे अप्लाई करना है. आपको इसे ड्रैग नहीं करना, आपको इसे डैब करना है. आप देख रहे हो अच्छे से आपको डैब करना है. सो आइज एरिया पे जहाँ पे भी हमें डार्कनेस है इसे मैंने वहाँ पे अप्लाई कर लिया. और कभी भी आपको ना अपने हेयर के पास इसे नहीं मतलब फॉरगेट करना चाहिए. यहाँ पे हमेशा आपको अप्लाई करना चाहिए. देन इसके बाद आपको आईब्रो हमेशा फिल करनी चाहिए. आईब्रो फिल करने से आपका जो फेस है बहुत ज़्यादा शार्प लगता है और थोड़ा सा इन्हेंस लगता है. सो मैंने आईब्रोज को इस तरह से फिल कर दिया है आईब्रो पैलेट की हेल्प से. देन कॉम कर लिया है. यू कैन सी आईब्रो फिल करते बहुत ज़्यादा फेस शार्प हो जाता है हमारा. देन इसके बाद में स्विस ब्यूटी का ये लाइक ग्लिटर इल्यूमिनेटर काइंड ऑफ है ये. मतलब बहुत ही अच्छे ग्लिटर्स हैं ये. मैं इसे यूज़ कर रही हूँ जस्ट इसे फिंगर की हेल्प से इस तरह से राउंड एंड राउंड करके मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ. सो मैंने इस तरह से अप्लाई कर लिया. यू कैन सी कुछ भी हम एफर्ट्स नहीं करेंगे इसमें. कुछ भी लाइक आई शेडो ये सब अप्लाई नहीं करेंगे. अगर आपके पास इस तरह का ग्लिटर है तो यू आर सॉर्टेड. मतलब बहुत अच्छे लुक्स कर सकते हो आप इससे, ग्लोई काइंड ऑफ, और बहुत ज़्यादा लाइक अट्रैक्टिव आइज लगेंगी. देन इसके बाद में यहाँ पर लैक्मे का लाइनर यूज़ कर रही हूँ. बहुत ही बेसिक लाइनर जो होता है वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ. आप देख सकते हो किस तरह से मैंने लाइनर ड्रॉ करा है. और अब क्या है ना, हमेशा हम जब भी ऊपर आइस को अप्लाई करते हैं ना कुछ भी, तो हमें नीचे आइस को भी अप्लाई करना चाहिए तो बैलेंस आउट करने के लिए. तो मैंने सेम आई शेडो को अप्लाई करा है. देन मैं यहाँ पर लॉरियल का लैश पैराडाइज मस्कारा यूज़ कर रही हूँ. बहुत ही अच्छा वाला मस्कारा है. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट बहुत अच्छा. आप इसके मतलब आप इसके अलावा और ट्राई कर सकते हो. मेबलिन का, ब्लू हेवन का, शुगर का पैलेट यूज़ कर रही हूँ और ये भी बहुत अच्छा है. ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 700 समथिंग का है. बट अगर आप तीन देख रहे हो ना, इसमें आपको तीन चीज़ें मिल जाती है, ब्रॉन्जर, ब्लशर और हाइलाइटर. बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही नेचुरल फिनिशिंग है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है. सो इस तरह से मैंने हाइलाइटिंग कर ली है. नोज़ पे अपना हो गया, क्यूपिड बो हो गया आपका, ब्रिज ऑफ दी लाइक नोज़ पे, ये सब आपके हाइलाइटिंग पॉइंट होते हैं. इसे मैंने अप्लाई कर दिया. देन इसके बाद मैं यहाँ पे एम्स्टरडम का लिप कलर अप्लाई कर रही हूँ. सो बहुत अच्छा लिप कलर है ये. ये रेड काइंड ऑफ कलर है और इसे मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया है. सो यू कैन सी. सो गाइज, हियर इज़ माई फाइनल आउटकम. आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. अगर वीडियो पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो आप बेल बटन को भी हिट कर देना. सो गाइज, मैं उर्वशी अब मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन एंड बाय बाय.